तो खबरों के मल्टीवर्सल एचक्यू में आपका स्वागत है। आज तो भाई गाड़ी भर के अपडेट्स हैं। इतने थे कि दो तीन को छोड़ के आना पड़ा, लाइक स्पाइडरमैन 4 से लेके अवेंजर्स 5 से होके डेडपूल 3 के रंगीले खबरों तक सब पे बात करेंगे। जो गाड़ी में बैठो चलते हैं, खिड़की से मुंडी बाहर मत करना। तो पहले तो अपने ट्रैंक्यूलाइजर ईएमपी एरोज जो भी है उठा लो, क्योंकि क्लिंट वार्टन हमारे वापस लौट रहे हैं। लाइक रिपोर्ट्स के हिसाब से मून नाइट को तो भूल ही जाओ, हॉकआई अपने सीजन 2 के लिए रिन्यूड हो चुका है। मतलब केट भी सब और क्लिंट हिसाब तो लौट ही रहे हैं, बट ट्विस्ट है क्योंकि शो में इस बार हॉकआई का भाई ट्रिक शॉट यानी चार्ल्स बार्टन भी दिखेगा, जिसका एक मेजर रोल होने वाला है। लाइक ये भी बेसिकली अपने छोटे भाई की तरह एक उच्च कोटि का धनुर्बाज है, बस दिमाग से ऐसे थोड़े एंटी विलन टाइप व्यक्ति है। सो सीजन 2 में ये तो देखो पक्का है दिखेंगे, बट ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग बात जो सुनने आई है कि सीजन 2 बहुत हद तक द रेड फिल्म पे ही बेस्ड हो सकती है, जो कि होगी तो भाई हम तो आँख खोल के ही बैठे। फिर इसके बाद देखो, लास्ट वीक हमारे गैलेक्टस का कास्टिंग तो कंफर्म हो ही गया था, रैल्फ इंसन ही धरती को मसलेंगे। तो अब हमारे हॉगवर्ट्स के ग्रेजुएटेड कौवे ये बताए गए हैं कि गैलेक्टस जो अर्थ पे आएगा वो रीड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ही ढूंढते हुए आने वाला है। सही है, इससे पहले बच्चा बड़ा हो के तुम्हारा आतंक खत्म कर दे, तुम ही उसे रोडी से इंस्पायर्ड लगते हैं। बट हाँ, जो सुनने आया है कि फिल्म में इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो देखने ही मिलेगा। और इस तरफ हमारे आ ही गए हैं तो न्यू कास्टिंग, नतासा लियोन भी फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर चुकी है, और कौन होगी जानना चाहते हो तो वो मुझे नहीं पता। देन सुपर गर्ल कल की औरत का भी कंफर्म हो गया कि जून 26 से 2026 को रिलीज होगी, 27 को फेंक दो। और जो पहले रूमर था तो वो फैक्ट है कि इसे हमारे और कोई नहीं बल्कि क्रुएला के क्रेव गाल्स्पा ही डायरेक्ट करेंगे। फिर सोनी का कारखाना तो बंद नहीं होता, यहाँ से खबरें आते ही रहते हैं, बट इस बार अच्छी खबर है। लाइक पहले तो भाई सोनी ने फिर से ये ठान लिया है कि स्पाइडरमैन 4 की फिल्मिंग इसी साल के एंड तक ही स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि अगले साल के एंड तक इसे रिलीज कर पाए। हमें डायरेक्टर कौन है ये तो बोल दो। इसमें रिपोर्टेडली जो कि थोड़ा जल्दी नहीं है, बट सिम्बियोट भी देखने मिलेगा। और भाई जो सबसे खतरनाक वाला रूमर मिला है कि पीटर पार्कर इसमें लुढ़क सकते हैं, स्टे विथ मी पत्थर मत उठाओ, क्योंकि सुनने जो आया है कि ये लुढ़केगा बट वापस आ जाएगा। सो आई थिंक ये सिम्बियोट को इसी तरह ही ऐड कर सकते हैं, लाइक समहाउ पीटर हमारे किस्से से पीट पाट के लुढ़क लिया तो सिम्बियोट उससे मर्ज होके बचा लेगा, जो कि ओरिजिनल तो भाई घंटा है नहीं, बस इसका फर्क होगा कि तुम इसे कैसे पुल ऑफ करते हो। सो कोई दिक्कत नहीं है, करो, बस रस मत करना भाई, ले दे के तुम्हारा एक ही नालायक बच्चा है, लायक बच्चा है। बट इसी के साथ ही अपने जो स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन टीवी यूनिवर्स को बढ़ाने वाले थे, तो उसमें अब ये दो कदम आगे बढ़ा के एक कदम पीछे ले चुके हैं। लाइक निक केज तो भाई पूरी तरह से अब कंफर्म हो ही चुके हैं, पहले भी थे बट अब हो ही गया है कि सोनी और अमेज़न के लाइव एक्शन नॉयर सीरीज में स्पाइडरमैन नॉयर बनने के लिए स्टोरी हमारी 1930s में टेक प्लेस करेगी। द बनी सर के स्टीव लाइटफुट और ऑरेन उजीली इसके शो रनर्स होंगे। बट जो दूसरे हाथ पे हमारे सिल्क की भी सीरीज आने वाली थी स्पाइडर सोसाइटी, वो कैंसिल हो गई है। और वेनम 3 को लेके भी एक एक्साइटिंग अपडेट है कि वेनम का आखिरी नाचे ना कि ओनली आर रेटेड हो सकता है, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें कोई बहुत ही डरावनी एंटिटी इंट्रोड्यूस होने वाली है। सोनी, मैंने जो भी कहा है मैं वापस ले लूंगा, बस नल का एक छाती का बाल ही दिखा दो, मैं खुशी से घर आ जाऊंगा। फिर इसके बाद हमारे मार्वल स्टूडियोज में भी बहुत कुछ हलचल हुई है। लाइक अगर तुमको नहीं पता किसी डायनासोर के अंडे में रहते हो, तो रिसेंटली ही डिज्नी का अपफ्रंट इवेंट होके गया है, जिसमें इन्होंने मार्वल का एक और डिवीजन मार्वल टेलीविजन अनाउंस कर दिया है। लाइक एनिमेशन और स्पॉटलाइट तो ऑलरेडी हो चुका था, तो अब से सारे सीरीज के लिए ये मार्वल टेलीविजन होगा। और अनाउंस करते ही इस न्यू बैनर के अंडर आने वाले 3 सीरीज के अपडेट्स भी प्राप्त हुए हैं। लाइक पहले तो इस इवेंट में हमें घंटे का हमें जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का टीजर दिखाया गया, तो उससे पूरी तरह से थप्पा मर चुका है कि सीरीज प्रॉपर ब्लडी होने वाली है, नो होल्ड बैक्स। रिलीज डेट भी अब कंफर्म हो चुका है, मार्च 2025 को ही आएगी, और इसका पहला सीजन 9 एपिसोड्स का होगा। फिर लोहे के दिल का भी एक न्यू लोगो के साथ अनाउंस हो गया है कि 2025 को ही ड्रॉप होगी। और फाइनली इनके वीकली जो नामकरण होते थे उनसे पीछा छूट चुका है, क्योंकि 17,526 नाम रखने के बाद जो कि इनकी मार्केटिंग ही थी ऑल अलोंग, इन्होंने अगाथा का फाइनल टाइटल और लोगो भी रिवील कर दिया है। शो रिलीज होगी सितंबर 18 को 2 एपिसोड्स के साथ, फिर वही वीक बाय वीक चलता रहेगा। और सिर्फ मार्वल के नहीं, तुम्हारे दूसरे शोज के भी खबरें भाई आई हैं, पहुंची है तत्काल से। लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 और लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिर स्क्विड गेम सीजन 2 का भी ऐसे तो भूल ही गए थे, ये भी कंफर्म हो चुका है कि दिसंबर में ही हमें लंगड़ी खिलवाएंगे। देन इसी साल आई वन ऑफ द बेस्ट माल यानी शोगुन वाले भी मना करके हां बोल दिया, इसका सीजन 2 और सीजन 3 अब दोनों ही आने वाले हैं, जिसको लेके मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं, ये क्या ही दिखाएंगे। और इवन जो कि सोचा भी था, यानी जॉन विक चैप्टर 4 के केन कैरेक्टर के ऊपर भी एक स्पिनऑफ आने वाला है, जिसकी फिल्मिंग अगले साल हांगकांग में शुरू हो जाएगी। देन इसके बाद तुम्हारे लिए और भी उत्तम खबर गाड़ी भर के है, जैसे मैं बोला था ना मैंने। लाइक रिपोर्टेडली हमारे अवेंजर्स 5 और 6 दोनों ही अभी ऑन ट्रैक्स है ऑन टाइम रिलीज होने के लिए, 26 और 27 रेस्पेक्टिवली, और होपफुली ऐसा ही रहे। और इतना थोड़ी है, अवेंजर्स के साथ यंग अवेंजर्स की भी फिल्मिंग हमारी
2025 से स्टार्ट हो जाएगी, कंफर्म्ड है। और केट बिशप तो देखो इसमें दिखने ही वाली है, कोई सवाल ही नहीं है, बट रिपोर्ट्स हैं कि वो अवेंजर्स 5 में भी दिखेंगी। मतलब ये दीदी अब हॉकआई सीजन 2, अवेंजर्स 5, यंग अवेंजर्स, इन तीनों के लिए जूते मान के बैठी है। और फिल्मिंग की बात कर ली है तो ब्लेड की तो देखो शुरू हो ही जाएगी जून या अगस्त के ही बीच अराउंड कभी, लगता क्या, अब तो भाई होनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो सुनने आया है कि ब्लेड के खत्म हो, मतलब ब्लेड के फिल्मिंग के खत्म होते ही मार्वल वाले मिडनाइट सन्स की भी तुरंत स्टार्ट कर देंगे। देन इसी दौरान एक फैंटास्टिक अपडेट भी मिली थी कि बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस यानी टब्बू जी ड्यून के प्रीक्वल सीरीज यानी ड्यून द प्रोफेसी में कास्ट हो चुकी हैं। ये होगी तो देखो ड्यून यूनिवर्स की ही, बट ये सीरीज टेक प्लेस करेगी करंट ड्यून एरा के 10,000 साल पहले और हरकनन सिस्टर्स पे बेस्ड होगी। फिर आज का डेडपूलिन टाइम तो देखो थोड़ा छोटा है, बट खबरें मस्त है। लाइक पहले तो भाई परदेश में टिकट सेल्स चालू हो चुके हैं, तो एक स्मॉल टीजर और एक उत्तम पोस्टर के साथ इन्होंने हाइप का स्पाइक फिर से बढ़ा दिया है। मार्केटिंग खतरनाक है। इनफैक्ट एक नई फोटो भी रिलीज हुई है सीधा सेट से, और इसी फोटो में दिख रहे हैं इन दोनों व्यक्तियों को जब अपने मार्वल फ्यूचर के बारे में पूछा गया था ना कि डेडपूल 3 साहब जी तो आ जाएगा चला जाएगा, बट डेडपूल 3 के बाद क्या, डेडपूल 3 के बाद आप कहां दिखोगे, तो इन्होंने भाई बहुत सातर है कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया। बिकॉज एक ने कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है बताने में, और दूसरे ने कहा मुझे कुछ पूछिए मत, मुझे डर लग रहा है आपसे बात करने में। और ऐसे स्टेटमेंट्स का मतलब तो भाई चिंटू का भाई पिंटू भी जान ले कि मार्वल इन्हें सिर्फ एमसीयू में ला नहीं रही, पर शायद उनके कैरेक्टर्स के लिए एक प्रॉपर वाला रोड मैप भी बना चुकी है कि इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में इनका रोल क्या होगा, जो कि ऑब्वियसली कुछ बहुत ही खास होगा, वरना ऐसे तो कोई बात करता नहीं। और इतना थोड़ी, ये भी कंफर्म हो चुका है कि डेडपूल 3 में लोगन के कुछ मेजर रेफरेंसेस होने वाले हैं, और उनमें से शायद एक मेरे आंखों के आगे ऑलरेडी आ भी चुका है। लाइक ऑनेस्टली आई डोंट नो अभी तक इसके बारे में कोई बात कैसे नहीं कर रहा, बिकॉज इन दोनों पिक्चर्स पे नोटिस करोगे तो ये दोनों वुल्वरीन्स पे बुलेट शॉट्स का पैटर्न भाई एग्जैक्टली सेम है। फिर मेरे फेलो गेमर्स के लिए भी एक अमेजिंग न्यूज है, लाइक टेक टू ने भाई कंफर्म कर दिया है कि GTA 6 अब 2025 के एंड तक ही रिलीज होगी, वही लेके चलो अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही अराउंड सम टाइम। बोलना पड़ेगा इतना स्टैग्ड साल धरती में अभी तक आया ही नहीं है। स्पाइडरमैन 4, अवतार 3, GTA 6, फैंटास्टिक 4, सुपरमैन, इतनी परफेक्ट दुनिया। देन रिसेंटली देखो ये भी कंफर्म हो चुका है कि फ्रैंक ग्रीलो अपने क्रीचर कमांडोज के रिक फ्लैग सीनियर के रोल को पीसमेकर सीजन 2 में भी रिप्राइज करने वाले हैं। मतलब सिंपल है, बाप का बदला बेटा लेगा। पर यही में तुम्हारे 32 को 36 बनाने के लिए एक और बढ़िया न्यूज, द बॉयज भी सीजन 5 के लिए रिन्यूड हो चुका है। तो अगर तुम ऐसे बीच बीच में सोच के दुख में चले जा रहे थे कि इन्हें अलविदा करना पड़ेगा, तो नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर से सर याद आया कि मार्वल अपने एक्समैन मूवी के लिए राइटर्स को शायद लॉग जल्द ही करने वाली है, क्योंकि रिसेंटली जो हवाएं बता के गए हैं कि करेंटली उनके दो फाइनलिस्ट हैं रैफ जुडकिंस और माइकल लेसाइल। और इतना थोड़ी, जो सुनने मिला है कि जनरल मोनाई के साथ करेंटली हमारे मार्वल की बात चल रही है किसी एक एक्समैन रोल को प्ले करने के लिए। वैसे बता दूं पहले उन्होंने कहा भी था कि वो स्टॉर्म को करना चाहेंगी, सो हो सकता है कि उसके लिए। इवन इसी बीच हमारा एक्समैन 97 भी एक एब्सोल्यूट बैंग के साथ तो गया ही है। सीजन 2 वैसे भी आने वाला है, ऑन ट्रैक है, करंटली एडिटिंग स्टेज पे, बट सीजन 1 के इस भयंकर रेस्पॉन्स के लिए आई नो इंडिया में इतना दिख नहीं रहा, बट ऑनेस्टली बिलीव में जिन लोगों ने देखा है उन्होंने बहुत तारीफ किया। तो इसके लिए मार्वल ने सीजन 3 का भी प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था, वैसे बहुत कुछ था। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे हमारे रावचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत इजी है। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में, सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।